स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस टीवी को रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिखने को फ़िलहाल अभी हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्टिकल सेक्शन में फॉल्ट है, वर्टिकल सेक्शन की खराबी है, इसलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट आ रहा है। तो ये दोस्तों देखने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्या ये फॉल्ट इतना सिंपल है या क्या है, इसको हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों हो सकता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट हो, इसलिए आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट आ रहा है, तो सबसे पहले हमें योक कॉइल को चेक करना है। तो यहाँ पर फॉल्ट वर्टिकल सेक्शन में दोस्तों, इसलिए हम वर्टिकल के योक को चेक करेंगे कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, ओपन तो नहीं है। और फिलहाल आप यहाँ पर इसका ESD कैप देख सकते हो, ये भी ठीक कंडीशन में नहीं है दोस्तों। इसको हम चेंज करेंगे, ये बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो इसमें जो फॉल्ट है उसको हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका जो योक कॉइल है उसको टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इसका जो वर्टिकल IC है वो हीट वेट तो नहीं हो रहा है, इसको हमने चेक किया तो हीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या फॉल्ट निकलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका योक कॉइल चेक करेंगे। योक कॉइल पे, वर्टिकल योक कॉइल पे देखिए कितना ओम्स, ये हॉरिजॉन्टल का है सॉरी, ये 2 या 3 ओम्स आ रहे हैं, ये सही है। और वर्टिकल में यहाँ पे देखिए 5-6 ओम्स आ रहे हैं, तो वर्टिकल का भी यहाँ पर इसका योक सही दिखा रहा है, योक कॉइल में कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये जो टीवी है दोस्तों, इसको हम रिपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसके सभी सप्लाई को चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 110 का वोल्टेज, आप यहाँ पर देख सकते हो 110 में तो सही बन रहा है, 118 आ रहा है, तो वोल्टेज इसका सही है दोस्तों। और इसका जो वर्टिकल सेक्शन को जो सप्लाई मिल रहे हैं वो ESD से मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई में वोल्टेज आप देख सकते हो, ये देखिए बाकी सभी सप्लाई इसका बन रहा है दोस्तों, लेकिन इसका जो वर्टिकल में जो सप्लाई होना चाहिए, वर्टिकल IC को जो +14 वोल्ट और -14 वोल्ट, वो पूरा नहीं मिल रहा है। ये देखिए 6.6 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे प्लस में, और इसका माइनस में तो ये देखिए इसका माइनस वोल्ट यहाँ पे दिखा ही नहीं रहा है। तो इसका सप्लाई पूरी तरह से नहीं बन रहा है, वर्टिकल सप्लाई। तो यहाँ ESD से देखिए दोस्तों, इसका सप्लाई आता है यहाँ पर एक रजिस्टर लग के, यहाँ पर डायोड और कैपेसिटर लग के यहाँ पर सप्लाई इसको बनाते हैं, तो इसका सप्लाई पूरा नहीं आ रहा है। तो ये क्यों इसका सप्लाई पूरा नहीं आ रहा है, +14 वोल्ट पूरा नहीं आ रहा है और -14 वोल्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो क्या कारण है? तो ये देखिए -14 वोल्ट यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, और +14 वोल्ट में 7.8 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए सप्लाई इसका कम आ रहा है, या तो IC इसका ख़राब है, या फिर इसके जो कैपेसिटर डायोड वगैरह वो सप्लाई पूरा नहीं बना रहे। तो देखते हैं, इसको मैनुअली देख लेते हैं, कोई कैपेसिटर इसका फूला हुआ तो नहीं है। यहाँ पर फिज़िकली हमने देखा तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 कैपेसिटर यहाँ पे जो +14 वोल्ट और -14 वोल्ट की जो सप्लाई में लगा हुआ है वो फूला हुआ है, इसलिए इसको हम चेंज कर देंगे। और आगे देखते हैं फॉल्ट हमारा ठीक होता है या नहीं होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, जल्दी से हम इस कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर हमने निकाल दिया है 470 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का, और ये फूला हुआ है, तो इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे। और जो दूसरा कैपेसिटर है उसको भी जल्दी से निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए, ये देखिए कितना छोटा सा यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, 100 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का। तो देखिए दोस्तों, उसकी जगह पर हम
ये कैपेसिटर लगाएंगे 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट और यहाँ पर 470 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट दोनों लगे हुए हैं, लेकिन दोनों जगह पे दोस्तों हम 470 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का लगाएंगे, क्योंकि 100 माइक्रोफैरेड बहुत कम है दोस्तों, कम वैल्यू का है, तो इसके सप्लाई में कम से कम 470 माइक्रोफैरेड का लगना चाहिए। तो दोनों जगह पे दोस्तों हमने 470 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा दिया है और इसके पोजीशन को हमने सही तरीके से लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीधा लगा रहता है प्लस और माइनस में। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 12 वोल्ट के करीब बन गए, ठीक है, इसको हम सही मान लेते हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पे अभी और वोल्टेज बनेंगे और इसका जो माइनस वोल्टेज है दोस्तों वो अभी भी नहीं बन रहा है, -14 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे अभी भी 0 वोल्टेज बन रहे हैं। ये देखिए -14 वोल्ट लाइन पर कोई भी सप्लाई हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट तो मिल रहे हैं प्लस में, लेकिन माइनस वाली लाइन पे देखिए, हम आपको दिखाएंगे, ये है +14 वोल्ट की लाइन, माइनस वाली लाइन में कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आईसी में शॉर्टिंग है या आगे कुछ और भी दिक्कत है। तो देखिए दोस्तों टीवी तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो चला गया है, लेकिन यहाँ पर रेनबो स्क्रीन आ रहा है, ये देखिए इस तरह से इंद्रधनुष की तरफ स्क्रीन आ रहा है। तो ये दोस्तों आईसी या इसकी सप्लाई जो है वो ग्राउंड से अगर शॉर्ट होती है तो इस तरह का फॉल्ट आता है, और बहुत सारे इसके कारण होते हैं, तो मैंने बहुत सारे रेनबो स्क्रीन फॉल्ट पे वीडियोज़ बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, तो सभी को वीडियो को आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन तो चला गया, लेकिन यहाँ पर रेनबो स्क्रीन का फॉल्ट आ रहा है और इसका -14 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रहा है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें हमें -14 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर लाना है, तो ये देखिए हो सकता है इसका आईसी शॉर्ट हो या फिर इसकी सप्लाई लाइन में ओपन सर्किट हो, रजिस्टर डायोड या इसका प्रिंट ब्रेक हो, कुछ भी ओपन हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम चेक करेंगे यहाँ पर इसका डायोड, तो यहाँ पर सही दिखा रहा है दोस्तों, ओपन नहीं है, और देखते हैं आगे इसका ट्रैक को ट्रेस करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका ट्रैक आ रहा है, यहाँ से एक रजिस्टर होके डायोड पे सप्लाई लाता है, तो ये यहाँ से देखिए ये ट्रैक तक तो सप्लाई आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रजिस्टर है दोस्तों, उसमें यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब एक गड़बड़ है, यहाँ पे बिल्कुल कम ओम्स की यहाँ पर रजिस्टर लगा रहता है। ये देखिए यहाँ पर इस साइड से कुछ नहीं दिखा रहा, इस साइड से ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रजिस्टर ओपन हो गया है, इसको हम निकालते हैं, और ये रजिस्टर दो ही कंडीशन में ओपन होता है, या तो अपने आप ये फ्यूज़ हो जाता है, या फिर आगे जो शॉर्टिंग हो, आईसी वगैरह शॉर्ट हो, कुछ भी कंपोनेंट शॉर्टिंग हो इसकी लाइन में, तो ये ओपन हो जाता है। तो इसको हम रजिस्टर को चेंज करने से पहले इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे, आईसी या फिर कोई और कंपोनेंट आगे शॉर्ट तो नहीं है। इसलिए दोस्तों -14 वोल्ट की लाइन और ग्राउंड की लाइन पर हम यहाँ पर कंटिन्यूटी देखेंगे कितना रीडिंग हमें मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर -14 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में देखिए दोस्तों बहुत ही कम यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि ये आईसी ही शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये रजिस्टर ओपन हुआ है, और इसमें रेनबो स्क्रीन भी इसी की वजह से फॉल्ट आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसके कैपेसिटर डायोड वगैरह शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसका जो आईसी है -14 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसलिए इस आईसी को चेंज करेंगे और साथ में इस रजिस्टर को चेंज करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये जो अब पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट था, उसके बाद इसमें रेनबो स्क्रीन का फॉल्ट आ रहा है, तो ये दोनों ठीक होते हैं कि नहीं, और ये सप्लाई हमारा सही होता है कि नहीं, इन सभी को हम चेक करेंगे।
आईसी यहाँ पर 78041 लगा हुआ है, उसको हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर अभी फिर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये देखिए अभी -14 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में कंटिन्यूटी हमें कितना मिल रहा है, ये देखिए शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, देख सकते हैं। इस तरह से आप दोबारा चेक कर सकते हैं, ये देखिए कुछ भी यहाँ पर रीडिंग हमें शो नहीं हो रहा है, कम ओम से या बजर नहीं बज रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आईसी शॉर्ट है और आईसी को हमें चेंज करना है। और यहाँ पर इसकी जो सप्लाई में जो रजिस्टर लगा है दोस्तों, वो बहुत कम ओम्स का लगता है, 1 ओम से भी कम वैल्यू का लगता है, यहाँ पर 0.22 ओम्स का, यानी 1 ओम्स का 22वां हिस्सा। ये देखिए यहाँ पर इसका जो कलर है रजिस्टर का, रेड रेड और सिल्वर, यानी 0.22 ओम्स, 1 ओम्स का 22वां हिस्सा है। मतलब आप कह सकते हो एक ओम्स का चौथा भाग, इस तरह से कह सकते हो। तो इसमें दोस्तों जितना कम वैल्यू का आप यहाँ पर रजिस्टर लगाएं उतना ही अच्छा है, 1 ओम्स या उससे कम का जो आपके पास अगर बैग में हो तो लगाएं। अगर ज़्यादा ओम्स का लगाते हैं यहाँ पर 10 ओम्स का या 2.2 ओम्स का भी लगभग चल जाता है, लेकिन कम का ही लगाइए। अगर ज़्यादा ओम्स का लगाते हैं तो दोस्तों इसमें एच लाइन का फॉल्ट आता रहता है और भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1 ओम्स या उससे कम का ही यहाँ पर रजिस्टर लगाइए। अब देखिए दोस्तों रजिस्टर लगाने के बाद सप्लाई यहाँ पर देखिए -17 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए सप्लाई पहुँच गया और +18 वोल्ट, जब हम इसको लोड देंगे तो ये 13-14 वोल्ट पे आ जाएगा। तो देखिए सप्लाई भी यहाँ तक पहुँच गया। अब आईसी को हम लगा के देख लेते हैं कि ये आईसी दोबारा से तुरंत शॉर्ट तो नहीं होता है या दोबारा इसमें रेनबो स्क्रीन का फॉल्ट तो नहीं आता है। तो जल्दी से हम आईसी को लगा के सोल्ड कर देंगे। आईसी तो फ़िलहाल हमने लगा ही दिया, दोबारा ये लग गया है दोस्तों, नया आईसी लग गया है। और जल्दी से इसको हम थोड़ा सा थिनर वगैरह से साफ़ करके आपको टीवी को ऑन करके दिखाएंगे, उससे पहले हम फिर से यहाँ पर वोल्टेज एक बार चेक करेंगे। अब आईसी लगाने के बाद वोल्टेज दोबारा ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर -15 वोल्ट मिल रहा है और +15 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है सप्लाई हमारा बिल्कुल सही हो गया है, आईसी तक सप्लाई पहुँच रहा है और वोल्टेज कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसमें लग तो रहा था बहुत ही आसान ये फॉल्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारे कंपोनेंट इसमें ख़राब थे। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने रिपेयर किए हैं और देख सकते हो रेनबो स्क्रीन का फॉल्ट चला गया, उससे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉल्ट था वो भी चला गया। तो पहली नज़र में ये दिख रहा था कि बहुत ही आसान, बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएगा, लेकिन इसमें कैपेसिटर भी ख़राब थे, इसका रजिस्टर भी ख़राब था और आईसी भी ख़राब था। तो इन सभी को आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप तरीके से रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए या पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।